देखो तुम्हारा जो चैप्टर है लुब्रिकेंट और कूलेंट, और लुब्रिकेंट कूलेंट से एक बार हमने पढ़ाया था तो समझते ही होगे। लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक, लुब्रिकेंट जो होता है वो होता है क्या स्नेहक, और कूलेंट होता है शीतलक, इसको हम ऐसे इसे स्नेहक बोलते हैं, इसे शीतलक। इसका काम होता है जो मशीनें आपस में चलती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं आपस में मैच होते हैं उनको स्मूथ चलाने के लिए, नरम चलाने के लिए, उनमें उनके अंदर फ्रिक्शन ना हो, मतलब जो घर्षण होता है वो घर्षण ना हो, जिससे उनका जीवन काल बढ़ जाता है, वो ज़्यादा टाइम पीरियड तक चलती रहती हैं, जिससे कि हमारा जो पार्ट्स घिसते नहीं है और मशीनें स्मूथ चलती हैं, आसानी से मूव करती हैं, रुकती नहीं है, पार्ट जल्दी खराब नहीं होते हैं। एक काम हो गया तुम्हारा लुब्रिकेंट का। कूलेंट का क्या काम है, तो दो पार्ट्स होते हैं उनको ठंडा करना। जैसे आपने देखा होगा कई मशीनों में पानी जा रहा है, मशीनों में पानी जाता है एक तरफ से होता है दूसरी तरफ से निकलता है, जैसे तुम्हारा वाटर पम्प होता है बफर पम्प सेट होता है उसमें देखा होगा एक तरफ से पानी जाता है इंजन इंजन के अंदर और दूसरी तरफ निकलता है गर्म। क्यों निकलता है, वो मशीन को ठंडा करने के लिए जाता है, और ठंडा हो मशीन गर्म चलती है तो गर्म होती है, तो वही पानी एक तरफ से गर्म निकलता है वो उसको ठंडा करके उधर से गर्म पानी निकल जाता है। तो हम तो पहले पढ़ाएंगे लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट होता क्या है। लुब्रिकेंट जो होता है दो मशीनें या कोई दो पार्ट जो आपस में मैच हो रहे हैं, चलते हैं, मूव करते हैं, उसमें फ्रिक्शन ना आए, घर्षण यानी कि ना हो, घर्षण होगा तो क्या होगा, पार्ट ज़्यादा घिसेंगे तो जल्दी खराब हो जाएंगे, समझ गए। पार्ट अगर ज़्यादा घिस रहे हैं तो जल्दी खराब हो जाएंगे, जैसे गियर हैं आपस में चलते हैं उसमें ग्रीस लगाई जाती है और जो मोबिल ऑयल डाला जाता है इंजन के अंदर, क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो आसानी से चले, ठीक है। तो ये उनके जैसे जो हमने नाम तो लिए हैं, मोबाइल साइलेंट करो, नाम लिए हैं ग्रीस है, मोबिल ऑयल है, ये लुब्रिकेंट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो हम फिर अब बताते हैं एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट, मतलब जो तुम्हारे स्नेहक है उसके लाभ। अब लाभ क्या होता है कोई बता सकता है? देखो लाभ क्या होते हैं, स्नेहक के प्रयोग से मशीन कार्य क्षमता जो उसकी एफिशिएंसी होती है बढ़ जाती है, मतलब काफी टाइम तक चलती रहती है, ठीक है। दूसरा मशीन का जीवन बढ़ जाता है। तीसरा स्नेहक के प्रयोग से चलने वाले पार्ट जो होते हैं कम घिसते हैं, क्योंकि पार्ट्स के बीच लुब्रिकेंट की एक पतली सतह, बहुत महीन पतली सतह बन जाती है, जिससे जो दोनों पार्ट होते हैं आपस में मैच नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, स्नेहक से पावर कम खर्च होती है मशीन में। जैसे अगर तुम मान लो कि कोई मशीन, जैसे तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो अगर साइकिल की चेन में ग्रीस ना डालो तो बहुत टाइट खींचेगी। अगर तुमने उसमें लुब्रिकेंट वो ग्रीस और लुब्रिकेंट से नहीं आती हुए लुब्रिकेंट लगा दिया तो वो स्मूथली चलने लगेगी, तो तुम्हें तुम्हारे तुम्हारा जो पावर खर्च हो रही है वो पावर कम खर्च होगी, ठीक है। फिर और मशीन तेज भी चलेगी, कोई भी मशीन है तेज भी चलेगी, और स्नेहक मशीन के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्मी को भी कम करता है, जो उसमें गर्मी हो रही हीटिंग हो रही है, मतलब जो गर्मी का तेज मशीन चल रही है धुआं निकलेगा वो भी नहीं निकलेगा, और इससे जो मशीन की होती है शुद्धता भी बढ़ जाती है। फिर हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। प्रॉपर्टीज में क्या है, जो इनके गुण हैं, गुण में पहला क्या है, ऑयलनेस, ऑयलनेस क्या होता है, तैलीयता, तैलीयता समझते हो, तैलीयता
शैलिता, ये जो बहिर्गुण होता है जिससे एक ऑयल फिल्म फिल्म बन जाती है, मतलब पतली सतह बन जाती है। इससे क्या होता है, दो जो मैचिंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि बियरिंग में बनी होती है, जिसके कारण जो होती है सतह चिकनी रहती है, सतह जो होती है चिकनी रहती है। जैसे हमने कहीं ऑयल लगा दिया तो सतह कैसी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, तो वो गुण होता है ऑयलनेस का, ठीक है। इसके बाद दूसरा है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, विस्कोसिटी में क्या होता है, इससे जो होता है तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है, तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है। जैसे कि तेल जितना गाढ़ा होगा, तेल जो जितना गाढ़ा होगा तो विस्कोसिटी कैसी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, अधिक होगी। और तेल अगर पतला है तो विस्कोसिटी कम होती है, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। और जो विस्कोसिटी को जो प्रकट किया जाता है वो कौन से नंबर से प्रकट किया जाता है, 80। इसको प्रकट किया जाता है जैसे एस ए एफ ऐसे नंबर करके दे रखे होते हैं, ऐसे करके नंबर दे रखे हैं, जैसे एस ए का मतलब मान लो एग्जांपल 30 है, जे एक विस्कोसिटी का नंबर होता है, जो ऐसे लुब्रिकेंट वगैरह तुम लोगे तो उसमें देखना पड़ा होगा, 80 तक होते हैं। और इसको जांचा जाता है, इसको जांचा जाता है, वो होता है विस्कोमीटर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विस्कोसिटी को पता हम कैसे लगाएंगे, किस यंत्र के द्वारा लगाएंगे, वो होता है विस्कोमीटर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा तीसरा पॉइंट है फ्लेश पॉइंट, फ्लेश पॉइंट। फ्लेश पॉइंट पर क्या होता है, फ्लेश पॉइंट पे जब तेल तुम्हारा मशीन में चल रहा है, मशीन में तेल लगा होता है किसी पार्ट में, जब मशीन चलती है, जब वो तेल भाप बनकर, जैसे गर्म होकर भाप बनने लगता है, वो चीज होती है फ्लेश पॉइंट, ठीक है। जो भाप बनने लगता है, इतना ध्यान रखो कि अगर तेल मशीन में चलने पर भाप बनने लगे, वही तुम्हारा आएगा फ्लेश पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह लुब्रिकेंट का बहिर्गुण है जिसमें लुब्रिकेंट एक विशेष तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, भाई इसे का फ्लेश पॉइंट कहलाता है। प्रत्येक तेल फ्लेश पॉइंट अलग अलग होता है, जैसे सभी मतलब जो अलग अलग होते हैं तो लुब्रिकेंट उनका अलग अलग होता है, इसलिए बियरिंग के लिए तेल जो होते हैं बियरिंग के वर्किंग तापमान से तेल का फ्लेश पॉइंट कम होना चाहिए, इससे क्या होता है आग लगने का भय नहीं होता है, अगर कम रखोगे तो भय नहीं होगा। फिर इसके बाद तुम्हारा है फायर पॉइंट, फायर पॉइंट पे क्या होता है, फायर पॉइंट पे जैसे कि फ्लेश पॉइंट पे तुम्हारा भाप बनने लगता है, फायर पॉइंट पे तेल जो होता है गर्म होकर जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वही होता है तुम्हारा फायर पॉइंट है। ये दो टर्म है, तुम उनको इनकी मतलब मीनिंग से ही समझ जाओगे, फायर मतलब आग, आग उसमें आग लगने लगती है गर्म होकर, और जो फ्लेश था उसमें वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब भाप बनने लगता है। तो इसके बारे में दे रखा है कि यह तापमान है जिस पर तेल की वाष्प जलने लगती है और तेल गाढ़ा जो आग पकड़ लेता है वह तापमान फ्लेश पॉइंट से 15 से 20 डिग्री, कितना डिग्री होता है, 15 से 20 डिग्री। जल्दी ना जले। फिर इसके बाद होता है पांच नंबर फोर पॉइंट, फोर पॉइंट पर क्या होता है, फोर पॉइंट पर तेल होता है गाढ़ा होके बहना,
चमना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि यह वह तापमान है जिस पर तेल ठंडे किए जाने के बाद गाढ़ा होकर बहना बंद कर देता है। बहना क्यों बंद कर देगा? जब तेल जब गाढ़ा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो क्यों बहेगा? पतला होगा तभी तो बह सकता है। गाढ़ा हो जाएगा मतलब जम जाएगा तो बढ़े नहीं। जैसे मान लो तुम्हारे पास इस टाइम कोकोनट ऑयल होगा, कोकोनट ऑयल होगा सर्दी में जम गया होगा, तो अगर वो तो जम गया तो थोड़ी बहेगा। और भाई अगर उसमें पिघल जाए तो बहना स्टार्ट कर देगा। समझ आ गया? इसका महत्व बर्फ बनाने वाली मशीनों, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए रहता है। कौन सी मशीनों में? जो बर्फ बनाने वाली मशीनें हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, उसमें रहता है। उसके बाद तुम्हारा है एमुलिफिकेशन। इससे क्या होता है? अच्छे किस्म जो तेल होते हैं पानी में नहीं घुलते हैं। अच्छे किस्म के तेल होते हैं पानी में नहीं घुलते। जब तेल पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उसे बाष्पीकरण कहते हैं। जैसे स्टीम टरबाइन है, स्टीम इंजन है, या हाइड्रोलिक टरबाइन है। फिर उसके बाद में 7 नंबर है तुम्हारा एसिडिटी। एसिडिटी मतलब अम्लता। और जो ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन जो वाष्पीकरण इसको यही बोलते हैं। तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन पहला गया, अम्लता है तुम्हारा एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी में कह रहा तेल में तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तेल में जो तुम्हारा क्या है, तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए, वो होता है अम्लता, एसिडिटी। अगर होनी मतलब होगी तो बेयरिंग मेटल पर क्या गुण होगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी मेटल में अगर तेजाब की मात्रा होगी तो वो मेटल को भी खराब करेगी। उसके बाद हमारा दूसरा है ऑक्सीडेशन। जब लुब्रिकेंट गर्म हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इससे तेल गाढ़ा हो जाता है, जिससे तेल के बहाव में कमी आती है। तो सेम थोड़ा मतलब पोर पॉइंट में अपने आप ही जम जाता है, मतलब सर्दी की वजह से। लेकिन इसमें क्या है, जब लुब्रिकेंट गर्म हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब जलेगा थोड़ा बहुत तेल, इससे तेल जो है गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद पानी है वोटरलिटी। इसमें बाष्पीकरण में जब लुब्रिकेंट कम उड़ना चाहिए वरना फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी। बाष्पीकरण मतलब बाष्पीकरण होता क्या होता है, जब तेल जल मतलब जलता है, हल्का उड़ता है गर्म होके, उसमें क्या है कम होना चाहिए वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से, वरना क्या होगा अगर ज़्यादा जलेगा तो तेल खत्म हो जाएगा जल्दी तुम्हारा फ्यूल। जैसे बाइक में है, किसी मशीन में है, फ्यूल जलवाते हो अगर ज़्यादा खपत हो रहा है, अगर मान लो मोबिल ज़्यादा जल रहा है, मशीन मतलब ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो जल्दी मोबिल खत्म हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, दोबारा सर्विस करवानी पड़ जाएगी तुम्हारा, होगा नहीं। तो ये क्या तुम्हारे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। फिर उसके बाद तुम्हारे क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। लड़की है
और स्नेह का वर्गीकरण दे रखा है वो कितने प्रकार से दे रखा है? तीन प्रकार से दे रखा है। हाँ पहला कौन सा होता है? पहला नदी ठोस होता है। मतलब किसी टाइप से तुम कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले मान लो लिक्विड लुब्रिकेंट जो होता है दूसरे दूसरा होता है सेमी सॉलिड और तीसरा होता है सॉलिड लुब्रिकेंट। लिक्विड में क्या होता है? जो तुम्हारा तरल अवस्था में होता है। सेमी लिक्विड में क्या होता है? जो अर्ध ठोस, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया तरल, ये क्या हो गया अर्ध ठोस। जो तुम्हारा हो गया ठोस, ठीक है। इतना नोट कर लो और इसके इसके बारे में हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाएंगे।